रहते थे, यही उनका घर का छोटा सा एक लड़का था। मगर अब ये घर में उनके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और एक बीवी है, ये एक बड़ी साहबजादी स्कूल में पढ़ती है, छोटे लड़के भी स्कूल में पढ़ते हैं। आप उनका आंसू पोंछने वाला, उनको शफकत बेहतरी देने वाला शायद आप कोई नहीं रहा। शायद अब ये घर में बाबूजी अंसारी कभी भी लौट नहीं पाएंगे, बस उनकी यादें हमेशा याद रह जाएंगी। मगर जिस तरीके से उनको जुल्म ज्यादती उनके घर पर, उनकी बेवा पर और उनकी वाइफ पर गुजर रहा है, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ ये खुद ही समझ सकती है, दूसरा हम नहीं समझ सकते हैं। मगर एक ही चीज करना है कि ये झमेले जो है 10-15-20 दिन से चल रहा था, जिस तरह नाइट में उन्होंने जीडी किया था, जिन लोगों ने इनके दुपट्टे डाले थे, इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती किया था, इससे पहले भी उन्होंने जो है एक जनरल डायरी करके आया था, कंटिन्यू उनके ऊपर जो है समझे कि जुल्म और ज्यादती इनके फैमिली के ऊपर हो रहा था। डर से इमामुद्दीन अंसारी अपने घर में नहीं रहते थे, शायद अपने घर में रहेंगे तो बीवी बाल बच्चे को भी हर शायद परेशानी की बात हो सके। उनकी बीवा ने बताया था फोन से बातचीत होती थी, मगर किसी कारण से शायद वो कल वो घर की तरफ लौट रहे थे अर्ली मॉर्निंग। किस तरीके से उनके साथ जो मामला हो गया, जो पेश हो गया वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये बड़ा मामला है और इन्होंने जो है जिन्होंने मदद किया है, ये किया है, उसका नाम भी लिया है, किन लोगों ने मदद किया है, किन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म ज्यादती बरता है, किन लोगों ने औजार के साथ किया है, ये वही घर है, वही चीज है। इस तरीके से हमने आपको बताया, आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। ये इसी के पीछे जो एरिया है, जो जब जाएंगे तो कैसा लगान वो जो है उसी हलके में जो है मर्डर हुआ है और ऑलमोस्ट सीसीटीवी कैमरा फुटेज आने के बाद समझ में आया कि लोगों ने किया नहीं किया। मगर ये जुल्म ज्यादती, ये इलेक्शन का जमाना है, नॉर्थ कलकत्ता का मामला है और इमामुद्दीन अंसारी खुद ही जो है वार्ड 36 के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो सारी सूरत हाल है आप देख सकते हैं। उनकी बेवा पर आंखों में आंसू है, चेहरे पे गम है। ऐसी सूरत हाल में बस एक ही चीज चाहिए, जिन्होंने मेरे शहर पर जुल्म और ज्यादती किया। इससे प्रीवियस में उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे शोहर की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, वो ठीक होकर के आएंगे। मैं उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि अब उनके शोहर इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं सारे मामला पे सारी चीज है, हमने ये चीज दिखाने की कोशिश किया, ये चीज है और भी लोगों से कुछ बात करेंगे। कैसे इमाम अंसारी कैसे सकते अच्छा नॉर्मल लड़का माला में सबसे उसका अच्छा रिलेशन था, बातचीत था, सब कुछ था। सबके साथ किसी का कोई प्रॉब्लम होने से जब भी उसको बुलाया जाता था हर वक्त खड़ा रहता था। यहाँ तक कि लॉकडाउन में बहुत सारे आदमी को ऑक्सीजन सप्लाई तक किया जाता, लॉकडाउन में बहुत सारे आपको डिटेल्स नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी घटना हुआ बहुत गंदा और बहुत घिनौना घटना हुआ। इस तरह का माहौल, इस तरह का घटना हम लोग के मोहल्ला में इससे पहले कभी नहीं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गुलाम सर। गुलाम सर आप यही रहते हैं जी? चलिए, और भी कुछ लोग इनके घर में ऐसे शख्स अच्छे लोग थे, वो यार आपका कांग्रेस पार्टी का वो वाइट प्रेसिडेंट, वाइट प्रेसिडेंट ब्लॉक के सदर थे। नाम कितना दिनों से झमेला चल रहा है? ये झगड़ा था, ये बाड़ी का झगड़ा था, वो भी नीचे रह जाए झगड़ा, वो भी यही बाड़ी के हमसे मिले थे। कौन लोग थे? नीचे में रहते यहाँ की यही के लोग पहले थोड़ा दूसरा बदमाश ठीक है, तो ये अपने ये झगड़े की वजह से घर के बाहर में कैमरे भी लगाते, लेकिन उन लोगों ने आकर के घर का कैमरा भी तोड़ दिया। जाकर के यहाँ पर लेडीज यहाँ करके कंप्लेन भी की, उसके बाद उन लोगों ने आगे किया था कि अगर रात से कानून बना करने तक सुबह जैसे नमाज पढ़ने के लिए वो जा रहा था तो वहाँ पर उसको चलिए हमने फयाज से भी बातें कर, हम कुछ लोगों से हम बातें करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे ये उनका घर है, कैसे सच थे। आप लोग से यही मिलना जुलना था। चलिए आप जान सकते हैं कि यही घर उनका लगा हुआ था, कैमरा लगा होने की वजह से जो है कैमरा यार एक तो कोई लेडीज एक तो संग में जाने वाली थी, चच्ची को नहीं यार एक तो थी उससे भी है, ये उनकी बेवा है। आप देख सकते हैं कि हालत खराब है, कंटिन्यू रो रही है, उनको यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप इस पूरे बारे में सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। के मॉल, विच इज डिजाइंड एज अ वर्ल्ड क्लास मॉल, इज द आउटकम ऑफ एंडलेस एफर्ट ऑफ आवर एक्सपर्ट्स कंबाइंड विद मॉडर्न सुपर्ब टेक्निक्स एंड न्यू एज डिजाइन। बुक नाउ।